बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बन के आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। बेटियां बचाएंगे, इज्जत इन्हें दिलाएंगे, बेटियां बचाएंगे, बेटियां पढ़ाएंगे, आने बान शान, देश की ये बेटियां रखती सभी कमान, देश की ये बेटियां। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे भारतवर्ष का नाम विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है। हमारे देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। जहां पुरुषों ने देश को मान दिया है, वहीं पे महिलाओं ने भी देश का नाम चमकाया है। जैसे आकाश की गहराइयों की खोज करते हुए एक सितारा बन गई हमारी कल्पना चावला, उसी तरह से अंतरिक्ष की नई नई खोजों को करने वाली सुनीता, और इसी के साथ गरीब परिवार से उभर कर आने वाली, खेल जगत में अपने देश का नाम गौरवान्वित करने वाली मैरी कॉम, इसी तरह से इन लड़कियों ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। इसी तरह की हजारों और लड़कियों ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि हमारे इसी जगत के साथ साथ इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, यानी उनको सूरज की पहली किरण दिखने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि हम इसे भ्रूण हत्या का नाम देते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है। इसको जानकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया और जिसको नाम दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी मुहिम के साथ जुड़ते हुए हमने आज इस पे अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हमारे साथ आए हैं बहुत से कवि जो अपने विचार प्रकट करेंगे बेटियों के बारे में आप सभी के साथ। 9 माह जिसके गर्भ में पलता है आदमी, फिर जिसकी उंगली थाम के चलता है आदमी, बेटी बहन माँ पत्नी है सब रूप उसी के, फिर क्यों मुसाफिर उसी को छलता है आदमी। जिंदगी की राह में श्याम रोज ढलती रही, इस जालिम संसार में मैं तन्हा ही चलती रही। बेटी हो से घर की लक्ष्मी, फैला दियो प्रचार दिखे, कहरी से सरकार दिखे। घायल मन बेटी का बोले, चाकू मत चलवाओ, हरा भरा अगर जग चाहिए मुझको मत मिटवाओ। बेटी से अनमोल खजाना, गर्भपात तुम मत करवाना। दादी ने पापा संग मिलकर मम्मी कहाँ धकेली थी, एक तितली की जान डॉक्टर ने चुपके से ले ली थी। आज जितने भी कवि और कवित्री आई हैं, मेरे ख्याल से सबसे छोटी उम्र की यही दिख रही हैं। आपकी एज कितनी है? मैम 21। 21, 21 साल की हैं मात्र अभी ये, और कवित्री होने का हमारे सामने ये दावा कर रही हैं, तो हमें अच्छा लगा एक बच्ची के अंदर इतना उत्साह देख के कि वो इतनी छोटी सी उम्र में अपनी कविता लेके दूरदर्शन तक आई है। कहाँ से आए हो बेटा और क्या नाम है? मैम मैं हांसी से आई हूँ और मेरा नाम है ज्योति। ज्योति नाम है, हांसी से आई हैं, हौसला देख के अच्छा लगा। तो आप हमें ये बताएंगे कि जब आपने कविता लिखनी शुरू की, क्या था आपके दिमाग में उसके लिए? इतनी छोटी उम्र में कविता लिखना मुश्किल है थोड़ा। यस मैम, लेकिन जैसा कि हम अपने आसपास में देखते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं, जैसे कि मैं भी गांव से हूँ और गांव का आसपास का माहौल देखते हैं, तो मतलब एहसास होता है कि लड़कियों के साथ मतलब कितना बुरा व्यवहार होता है, और उसी को देख के मेरे अंदर भी ये हुआ कि मैं भी लिखूं कुछ लड़कियों के बारे में, और यही सोच के मैंने अपनी पोएम लिखी है। तो आज आप अपनी कौन सी कविता सुना रही हैं, उसका शीर्षक बताएं और हमें वो कविता सुनाएं। जी मैम, मेरी कविता का शीर्षक है लड़की की व्यथा, और मैं शुरू करना चाहूँगी, आप सभी को सुनाना चाहूँगी। जिंदगी की राह में श्याम रोज ढलती रही, जिंदगी की राह में श्याम रोज ढलती रही,
इस जालिम संसार में मैं तन्हा ही चलती रही। उम्मीद की एक किरण माँ की हिम्मत से बंधी थी। टूटी जो हिम्मत तो मोतियों से बिखरती गई। लड़की होना ही जुर्म था मेरा ये सोच मुझे अखरती रही। जिंदा चंद रोज थी पर रोज दिल दिल मरती रही। माँ के आंचल से बिछड़ के नसीब नहीं कब्र भी हुई। इस दर्द भरी आहट से आखिरी सांस तक मचलती रही। इस पापी संसार में सपने नित बुनती रही। जिंदा चंद रोज थी पर रोज दिल दिल मरती रही। सपना था निजकर्मों से बेटी का मान बढ़ाऊंगी। नफरत द्वेष अमानवता की आग में जलती रही। मेरी सांसों के दरिया के संग सब चाह भी रुखसत हुई। जो जन्म पा सकी वो बड़ी खुशकिस्मत हुई। तोड़ जंजीरों को पंख फैलाए आसमान में वो। मुझसे ना कोई नन्ही आस रूठे है तमन्ना यही। शिक्षा पाकर आसमान में उड़ पाए सभी। बेटी है रूप प्रभु का बस यही समझ जाएं सभी। बहुत ही अच्छे लफ्जों में कविता तैयार की इन्होंने। अब मैं आपसे दूसरी कविता का शीर्षक और कविता जानना चाहूंगी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो मैंने हरियाणवी लैंग्वेज में लिखी है क्योंकि हमारा जैसे कि आसपास का माहौल सारा हरियाणवी है, तो मैं उस पर अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगी। आधी रात का टेम छारी घटागन गोर, बाबू बोलिया मात है शनि ध्यान कर मेरी ओर। 22 वर्ष का हो गया छोरा, 20 वर्ष की छोरी, छोरा तो खर पड़े सा अपना श्याणी, छोरी स्वासन हो रही। मैनू कूसू श्याणी सोन तो पुगाना सा, तड़के मेरे नए छिंदरे काट दी, मना छोरा देखण जाना सा। कासन बासन सोड़िए करना सा तीर तागा, नुए तो ब्याह होवे को निशानी लाना पड़ेगा हांगा। बाबू मरा चल लिया जब नई जूती पैर, मामरी का कर्जा लिया पैर दरिया जब उन्न बैर। बेरा न मेरे लाडली खतर की साबरी ओटो होगा, जाओगी माड़ी सी उकचुक तो मेरा कर्जा रोगा। ना चाहते हुए भी समाज का मैं लाडो न इस संसार में लियाई थी। कौन जाने मेरे दर्द न मैंने क्यों कर करी समाई थी। पढ़ाई लिखाई रागे खातर मैंने करी गणी अंगाई थी, पर समाज में मेरी बात की कति हुई नहीं सुनाई थी। मान्या अकटे मेरे स्कूल में तो मैं भी नहीं जान पाई थी, पर टेम पर जिंदगी में पढ़ाई की कमी घनी देखण न पाई थी। जाए तो मनु चाहूँ अकलाडो ने वह शिक्षा मिले जो मन ने नहीं मिलन पाई थी। अब लड़की क्या कहती है उसके बारे में कि उसको जन्म मिला है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन उसको फिर भी मतलब कुछ कमी रह गई है। तो वो क्या कहती है, खुशकिस्मत मानूँ मैं खुद ने जो दुनिया में ले आई गई। के फायदा इस जीवन का जो शिक्षा ना पाई गई। मैं तन तो अपनाई गई पर मन तो ना अपनाई गई, पर आया बोझ जानकर मैं दुनिया में ले आई गई। कच्ची सी उम्र में ब्याह का बोझ गणा भारा था। माँ मेरी का प्यारे मेरा जीवन का सहारा था। औरत हो सा भगवान का रूप नु सारे जानस है। सांझे बाबू उल्टा आया के नौ ननू बतलाया। चौधरी का घर में शानी सारी चीजा के ठाठ से, और चौधरी का छोरा 6 फुट का कति डंगा जाट से। माथी कौन सी गाट, सुनी थोड़ी सी बात रिश्ते तक गई नाट। बोली शाणे मनी तेरी बात, पर लाडो की उम्र से गाटर पढ़ाई के अक्सर नहीं आंदे आठ, तू रिश्ते तो जाइए शाणे नाट। मेरा भी जबान पर मन की बात आएगी और मन ने भी साफ साफ शब्द में अपने बाबू ते अपने मन की बात बता दी। पढ़ूंगी लिखूंगी बढ़ाऊंगी थारा मान, अरे सेम बाबू बढ़ जाएगा थारा सम्मान। बाबू मेरा सेंटी हो गया, बात मेरी सुन के एंटी हो गया, बात मेरी मन की सबका समझ में आएगी, और जो बताना चाहूँ लागे तारा भी समझ में आएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दो दो किलो का मान बढ़ाओ, और साथ ही साथ भ्रूण हत्या का एक कारण मिटाओ, साथ ही साथ बेटों को समझाओ और सुरक्षित वातावरण बनाओ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता, और जो हरियाणवी की जो टोन थी इनकी, उसने तो 4 चांद लगा दिए इनकी कविता में। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। अब हम अपने अगले कवि से मिलना चाहेंगे। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मैं गाँव जांडली किला डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से आया हूँ मैडम, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं दूरदर्शन हिसार का और सभी स्टाफ सदस्यगण का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने बहुत बढ़िया सोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी के ऊपर मैं कविता लेकर के आया हूं। मेरी कविता का शीर्षक है
बदल गया हरियाणा। के सोची थी के या होगी, सारे बोले गार्डन जोगी, बेटा बेटी फर्क करया से। के सोची थी के या होगी, बेटी की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा हो, बेटी की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा हो, छोरियां की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा हो। देखिए मैडम कि पहले जब माता ने जन्म दिया तो पहली बेटी हुई तो माता खुश नहीं हुई, उसके बाद दूसरी और तीसरी बेटी के पैदा होते ही माता बहुत बड़ा यानी कि बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो गई उसके सामने। तो उस बेटी को एक हरियाणी भाषा में कहती है कि देखिए कैसी कहती है अपनी बेटी को कि दो बुआ तो पहला थी बता तो तुम्हारा क्या तय आई से, के पढ़ा के अफसर ला देगा बता के तेरा बाप सिपाही से, दाण्या का भी टोटा घर में कड़े खुआ दू खाना हो, बेटी की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा हो, छोरियां की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा हो। खुद माता भी जुल्म कमावे कोन्या तने पढ़ावे हे, सुंदर वस्त्र पहर के छोरा कॉलेज के मा जावे हे, बहुत घना मुँह लावे हे नाचावे तने पढ़ाना हो, बेटी की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा हो, छोरियां की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा हो। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वे बेटे और बेटी में फर्क ना समझे, बेटी को भी इतना ही सम्मान दे जैसा जैसे कि बेटे को दे रहे हैं। कभी माँ बाप ये पूछता है अपनी बेटी से बेटे से कि तू कहाँ से आ है, बेटी 5 मिनट के लिए घर से बाहर चली जाती है तो उनसे पूछते हैं कड़े गई थी गार्डन जोगी तने घर का काम नहीं बेरा, गोबर पड़ा सा, बासण मांजने पड़े सा, ये है वो है, यानी तरह तरह के उसे सवाल पूछते हैं छोरी से। गंदी सोच ने बदलो लोगो लाड करो तुम लाडो के, गंदी सोच ने बदलो लोगो लाड करो तुम लाडो के, घर घर बुदराम होगे तो बता के आंगन में गाडोगे, घर घर बुदराम होगे तो फिर के आंगन में गाडोगे, जांडली आले छोरे का घर घर पहुंचा दियो गाना रे, बेटी की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा रे, छोरियां की पूजा करने आला बदल गया हरियाणा रे। अब मैं आपके सामने दूसरी कविता पेश करने जा रहा हूँ, शीर्षक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कहरी से सरकार दिखे, फैला दियो प्रचार दिखे, बेटी हो से घर की लक्ष्मी, फैला दियो प्रचार दिखे, कहरी से सरकार दिखे, जब लड़की पढ़ जा से लोगो दो घर उस ते सुधरे से, अनपढ़ रह जा जिसकी बेटी उस दिल पे के गुजरे से, समाज कदर ना जाने उसकी ना अच्छा करे व्यवहार दिखे, फैला दियो प्रचार दिखे, वेद डॉक्टर योद्धा जन्मे जन्मे साइंस दान तेने, बनके कल्पना हमारे देश का कर दिया रोशन नाम तने, बनके लीडर हमारे देश की चला दे ही सरकार दिखे, कहरी से सरकार दिखे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फैला दियो प्रचार दिखे, कहरी से सरकार दिखे, बेटा बेटी फर्क करो ना, गर्भ बीच मरवाओ ना, जन्म लेन दियो लाडो ने भी इतना पाप कमाओ ना, कुछ तो डर उस मालिक ते क्यों राखी शर्म उतार दिखे, कहरी से सरकार दिखे, बेटी हो से घर की लक्ष्मी, फैला दियो प्रचार दिखे, कहरी से सरकार दिखे, जे लड़की ने पढ़ाओगे तो नाम देश में कर जागी, जरूरत पड़ी तो देश की खातिर जाने हाथ पे धर जागी,
बुधरा में जांडली तिर जागिया जागी पर ले पार दिखे फैला दियो पर चार दिखे बैठी हो से घर की लक्ष्मी फैला दियो पर चार दिखे कहरी से सरकार दिखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहरी से सरकार दिखे फैला दियो प्रचार दिखे। तो बुधराम जी ने अभी अपनी कविताएं सुनाई गा करके, बहुत अच्छी लगी सभी को। उसी के साथ हम अपने अगले कवि से मिलते हैं जो आए हैं। मैं हिसार से ही हूँ, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। बहुत अच्छे, इतनी छोटी सी उम्र में भी इन्होंने कविताएं लिखने का जोश दिखाया है। हम पूछना चाहेंगे आपकी कविता का शीर्षक क्या है और वो कविता आप हमारे लिए सुनाएं। मेरी पहली जो कविता है उसका शीर्षक है प्यारी बेटियाँ। ये जो कविता है इसमें मैंने सब कुछ दिखा दिया ही कि बेटियाँ क्या हैं, क्या करती हैं और समाज उनके साथ क्या करता है। तो मैं अपनी कविता शुरू करना चाहूँगा। प्यारी बेटियाँ, फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी, खुशियों की फुलवारी, फूलों की क्यारी, खुशियों की फुलवारी, सारे जग की प्यारी हैं बेटियाँ। फूलों की क्यारी, खुशियों की फुलवारी, सारे जग की प्यारी है बेटियाँ। गुणों का भंडार, गुणों का भंडार, अच्छाई का अंबार, गदगद सारा संसार पाकर हुआ बेटियाँ। गुणों का भंडार, अच्छाई का अंबार, गदगद सारा संसार पाकर हुआ बेटियाँ। देश का सम्मान है, देश का सम्मान है, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश का सम्मान है, क्यों सहती आज अपमान है। देश का सम्मान है, क्यों सहती आज अपमान है। देश का सम्मान, देश का सम्मान, क्यों सहता आज अपमान। देश का सम्मान, क्यों सहता आज अपमान। इन प्रश्नों से परेशान है बेटियां, इन प्रश्नों से परेशान है बेटियां। दामिनी का दर्द है, मैं याद दिलाना चाहूँगा दामिनी की, जो दिल्ली का दुष्कर्म कांड हुआ था, कि दामिनी का दर्द है हर दिल की हमदर्द है। दामिनी का दर्द है हर दिल की हमदर्द है, फिर भी असुरक्षित है बेटियाँ, फिर भी असुरक्षित है बेटियाँ। लक्ष्मी की सौम्यता है, लक्ष्मी की सौम्यता है, माँ की कोमलता है। लक्ष्मी की सौम्यता है, माँ की कोमलता है, और गंगा की पावन निर्मलता है बेटियाँ, गंगा की पावन निर्मलता है बेटियाँ। जो आज देश में चल रहा है उस पर कुछ कहना चाहूँगा कि भ्रूण हत्या का दंश सहती, भ्रूण हत्या का दंश सहती, त्राहि त्राहि की बात कहती, भ्रूण हत्या का दंश सहती, त्राहि त्राहि की बात कहती, क्यों सवालों के घेरे में हरदम रहती बेटियाँ, क्यों सवालों के घेरे में हरदम रहती बेटियाँ। सबकी प्यारी बेटियाँ, हमारी प्यारी बेटियाँ। सोच का विषय है, सोच का विषय है, उनकी आज़ादी पर संशय है। आज भी बोला जाता है कि बेटियों की आज़ादी रुकी जानी चाहिए, क्योंकि सोच का विषय है, उनकी आज़ादी पर संशय है। इसी रूढ़ियों के प्रलय में बहती जा रही हैं बेटियां, बहती जा रही हैं बेटियां। सबकी प्यारी है बेटियां, सबकी दुलारी है बेटियां। अब कुछ बेटियों के नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, कि साइना इंदिरा सरोजिनी का रूप, साइना इंदिरा सरोजिनी का रूप, बुद्धि और क्षमता का स्वरूप, साइना इंदिरा सरोजिनी का रूप, बुद्धि और क्षमता का स्वरूप। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का रूप है बेटियां, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का मिलता रूप है बेटियां। हमारी प्यारी बेटियां, सबकी प्यारी बेटियां, हमारी प्यारी बेटियां, सबकी प्यारी बेटियां। तो आशुतोष जी, पहली कविता हमें बहुत अच्छी लगी आपकी, अब मैं दूसरी कविता आपसे सुनना चाहूँगी उसके शीर्षक के साथ। जी, दूसरी कविता जो मैंने लिखी है वो मैंने लिखी है एक बेटी की दर्द, बेटी का दर्द सुनाते हुए कि वो अपनी माँ से क्या फरियाद कर रही है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है नन्ही सी पुकार जो एक बेटी अपनी माँ से करती है। हे माँ, हे जननी, सुन मेरी इतनी सी पुकार। हे माँ, हे जननी, सुन मेरी इतनी सी पुकार। मैं जब नन्हे से हाथों से तुझे छू लूं, मैं जब नन्हे से हाथों से तुझे छू लूं तो बस हंस देना एक बार। मैं जब नन्हे से हाथों से तुझे छू लूं तो बस हंस देना एक बार। मैं जब तेरे स्पर्श को आतुर हूं, मैं जब तेरे स्पर्श को आतुर हूं तो गोद ले लेना एक बार, तो गोद ले लेना एक बार। तेरे आलिंगन में लेकर मुझे, तेरे आलिंगन में लेकर मुझे प्रेम इतना दे देना कि ना रहे किसी और की दरकार, ना रहे किसी और की दरकार। हे माँ, सुन मेरी इतनी सी पुकार। लेकिन याद इस बात को रखना, लेकिन याद इस बात को रखना कि बोझ न समझना मुझे, याद इस बात को रखना कि बोझ न समझना मुझे। न करना मेरा धिक्कार, न करना मेरा धिक्कार। पढ़ूंगी मैं, बढ़ूंगी मैं,
मुझे पढ़ाना मुझे बढ़ाना ताकि कर पाऊँ अपनी इच्छा का इजहार। कसम है तुझे, तुझे सौगंध है उन किलकारियों की जो तूने सुनी है बार बार। कसम है तुझे उस कोख की जिसमें पली हूँ मैं नौ माह पार। हे माँ सुन ले मेरी इतनी सी पुकार। मुझे पढ़ाना मुझे बढ़ा भी देना ताकि कर पाऊँ अपनी इच्छा का इजहार। जब शब्द निकले मेरे मुख से तेरे लिए, जब शब्द निकले मेरे मुख से तेरे लिए, तो बस तेरे मन में हो मेरे लिए ही प्यार, तेरे मन में हो मेरे लिए ही प्यार। आखिर में बेटी क्या अपील करती है, समाज का हिस्सा मैं भी हूँ, समाज का हिस्सा मैं भी हूँ, मत कर मुझे यहाँ से बाहर। समाज का हिस्सा मैं भी हूँ, मत कर मुझे यहाँ से बाहर। मुझ पर कभी अफसोस न करना, मुझ पर कभी अफसोस न करना, रहना मुझ पर सदा बलिहार, रहना मुझ पर सदा बलिहार। हे माँ मेरी सुन ले ये नन्ही सी पुकार, सुन ले मेरी नन्ही सी पुकार। बहुत ही अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब हम अपने अगले कवि से मिलना चाहेंगे जो आए हैं। जी मेरा नाम सरताज सिंह मुसाफिर है, समय बहुत कम है, कवि बहुत हैं, तो मैं दो चार पंक्तियों में ही अपनी बात कह देता हूं कि आपने कहा जैसे बाकी सबसे पूछा कि कविताएं क्यों लिखी, लिखने की एक विशेष स्थिति होती है, कवि के हृदय की पीड़ा होती है, कविता और कुछ नहीं होती। तो मैं चार पंक्तियाँ अपने गीत की देके बताता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। मजबूरों और निर्दोषों का जब कोई ख्वाब दफन होता है, निर्दोषों और मजबूरों का जब कोई ख्वाब दफन होता है, मानवता और सच्चाई का जब नीलाम कफन होता है, काली करतूतों वालों के तन पर श्वेत वसन होता है, मेरी कलम तड़प उठती है, मेरा अंतर मन रोता है, तब मैं गीत लिखा करता हूँ। बहुत ही अच्छे लिखने की वजह। और जहाँ तक बात बेटियों के संदर्भ में है, तो जो कुछ भी हम आज देखते हैं उसको देखते हुए चार पंक्तियों से अपने आप से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि नौ माह जिसके गर्भ में पलता है आदमी, फिर जिसकी उंगली थाम के चलता है आदमी। नौ माह जिसके गर्भ में पलता है आदमी, फिर जिसकी उंगली थाम के चलता है आदमी। बेटी बहन माँ पत्नी हैं सब रूप उसी के, फिर क्यों मुसाफिर उसी को छलता है आदमी। तो यहाँ से कविता जन्म लेती है और मैं अपनी पहली रचना जिसका शीर्षक है बेटियाँ, अब यहाँ से मैं अगर आपका आदेश हो तो मैं सुनाना शुरू करूँ। कुछ और नहीं होती हैं इंसान बेटियाँ, कुछ और नहीं होती हैं इंसान बेटियाँ, अपनी हमारी आपकी पहचान बेटियाँ, अपनी हमारी आपकी पहचान बेटियाँ। और अगली पंक्तियाँ देखिए कि जीने का हक न छीनिए इनमें भी रूह है, जीने का हक न छीनिए इनमें भी रूह है, इनमें भी रूह है, अरे इनमें भी रूह है। होती नहीं बुत की तरह बेजान बेटियाँ, होती नहीं बुत की तरह बेजान बेटियाँ। और दो पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ समाज के उन लोगों को जो कहीं ना कहीं जिनके दिमाग में ये बात है कि बेटियाँ कमज़ोर होती हैं, क्या वो ये भूल जाते हैं कि भाइयों की कलाइयों पर राखियाँ बांधने वाले हाथ, भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधने वाले हाथ वक्त पड़ने पर तलवार थाम करके लक्ष्मीबाई बनकर मैदान में उतर आते हैं। तब दो पंक्तियां समर्पित करता हूं कि कमजोर न समझो इन्हें ये शांत शक्ति हैं, कमजोर न समझो इन्हें ये शांत शक्ति हैं, अरे ये शांत शक्ति हैं, अरे हाँ शांत शक्ति हैं। वरना बला का होती हैं तूफान बेटियाँ, वरना बला का होती हैं तूफान बेटियाँ, अपनी हमारी आपकी पहचान बेटियाँ। और कविता की अगली पंक्तियाँ देखिए कि बाबुल का घर हो या फिर परदेश पिया का, बाबुल का घर हो या फिर परदेश पिया का, परदेश पिया का, अरे परदेश पिया का। दो आंगनों की हैं बढ़ाती शान बेटियाँ, दो आंगनों की हैं बढ़ाती शान बेटियाँ। और एक बहुत बड़ी बात दो पंक्तियों के माध्यम से कहता हूँ कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हों, हर परिवार चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कुल को आगे बढ़ाने वाला, उसके वंश को चलाने वाला एक बेटा हो, लेकिन ये कोई क्यों नहीं चाहता कि उसके घर में एक बेटी का भी जन्म हो। तब दो पंक्तियाँ जन्म लेती हैं कि रोशन घरों को करता है इनका दिया चिराग,
रोशन घरों को करता है इनका दिया चिराग, इनका दिया चिराग, हाँ इनका दिया चिराग। बनती हैं उस समा की निगहबान बेटियाँ, बनती हैं उस समा की निगहबान बेटियाँ, अपनी हमारी आपकी पहचान बेटियाँ। और दो पंक्तियाँ समाज के उन लोगों के लिए जिन्हें आज भी कहीं ना कहीं लगता है कि बेटियों के लिए पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है जितना बेटों के लिए, लेकिन बेटियों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है, तब दो पंक्तियाँ जन्म लेती हैं। पढ़ने दो बेटियों को भी फैलेगा उजाला, पढ़ने दो बेटियों को भी फैलेगा उजाला, फैलेगा उजाला, अरे फैलेगा उजाला। क्यों? कि देती हैं कई पीढ़ियों को ज्ञान बेटियाँ, देती हैं कई पीढ़ियों को ज्ञान बेटियाँ, अपनी हमारी आपकी पहचान बेटियाँ। और दादरी से आने वाले हमारे कवि एक कविता सुना कर गए, उसमें दो पंक्तियाँ उन्होंने कहीं, तो मुझे अपनी ये गज़ल की दो पंक्तियाँ याद आ गईं कि जीवन में कितने रूप बदलती हैं बेटियाँ, ता उम्र नए रिश्तों में ढलती हैं बेटियाँ। लेकिन इस गज़ल में मैं वो दो पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ कि बेटी हो या बहन हो, पत्नी हो या माँ हो, बेटी हो या बहन हो, पत्नी हो या माँ हो, पत्नी हो या माँ हो, अरे पत्नी हो या माँ हो, हर रूप में हम पर हुई कुर्बान बेटियाँ, हर रूप में हम पर हुई कुर्बान बेटियाँ, अपनी हमारी आपकी पहचान बेटियाँ। और गज़ल की अंतिम पंक्तियाँ मक्ता आपके लिए दे रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो कवि के हृदय की पीड़ा है वो इन पंक्तियों में आती है। आखिर क्यों इन पे इतने सितम होते मुसाफिर, आखिर क्यों इन पे इतने सितम होते मुसाफिर, सितम होते मुसाफिर, क्यों सितम होते मुसाफिर। देती हैं रोज सब्र का इम्तिहान बेटियाँ, देती हैं रोज सब्र का इम्तिहान बेटियाँ, अपनी हमारी आपकी पहचान बेटियाँ, अपनी हमारी आपकी पहचान बेटियाँ, कुछ और नहीं होती हैं इंसान बेटियाँ। तो अब मैं आपसे दूसरी कविता का शीर्षक और वो कविता सुनना चाहूँगी। जी, दूसरी कविता का शीर्षक है आज की बेटियाँ, और मौजू ये हैं समाज के उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ मैं जो ये मानते हैं कि बेटियाँ कहीं ना कहीं बेटों से कमतर हैं या वो बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। तो कुछ बेटियों का उल्लेख करते हुए मैं अपनी रचना के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। कामयाबी के तराने गा रही हैं बेटियाँ, कामयाबी के तराने गा रही हैं बेटियाँ, पर खुले आकाश में फैला रही हैं बेटियाँ। और सबसे पहले सलाम करता हूँ हिंदुस्तान की उस बेटी को जिसने हरियाणा करनाल में जन्म लेकर के हिंदुस्तान के नाम को विश्व पटल पर रोशन किया। आप सभी सुनेंगे लगे कि बात सच्ची है और अच्छी है तो जोरदार तालियों से मेरा समर्थन करिएगा। कर गई साबित यही करनाल की वो कल्पना, कर गई साबित यही करनाल की वो कल्पना, चूम कर उस चांद को भी आ रही हैं बेटियाँ, पर खुले आकाश में फैला रही हैं बेटियाँ। और खेल के क्षेत्र से कुछ नाम लेता हूँ। अंजु अंजुम अंजलि हो साइना या सानिया, अंजु अंजुम अंजलि हो साइना या सानिया, खेलों में भी जीत ट्रॉफी ला रही हैं बेटियाँ, पर खुले आकाश में फैला रही हैं बेटियाँ। और अगली पंक्तियाँ देखिए कि बन किरण बेदील सीने में गजब का हौसला, बन किरण बेदील सीने में गजब
का हौसला आज तूफानों से भी टकरा रही हैं बेटियां, पर खुले आकाश में फैला रही हैं बेटियां। बन के पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर और रहनुमा, बन के पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर और रहनुमा, इस जमी से आसमां तक छा रही हैं बेटियां, पर खुले आकाश में फैला रही हैं बेटियां। बेटियां इस दौर की बेटों से कोई कम नहीं, बेटियां इस दौर की बेटों से कोई कम नहीं, आजकल बेटों से आगे जा रही हैं बेटियां, पर खुले आकाश में फैला रही हैं बेटियां। और अंतिम पंक्तियां एक प्रश्न छोड़ते हुए कहना चाहूंगा, इतना होने पर भी सीने में मुसाफिर है कसक, इतना होने पर भी सीने में मुसाफिर है कसक, खुद को फिर क्यों हाशिए पर पा रही हैं बेटियां, पर खुले आकाश में फैला रही हैं बेटियां, कामयाबी के तराने गा रही हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, लाजवाब था, एक समा बांध दिया कि जिसे छोड़ने को मन नहीं कर रहा था हमारा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली कवित्री डॉक्टर भामा से और जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनकी कविता का आज का शीर्षक क्या है। मैं भिवानी से हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लंबे समय से काम कर रही हूँ। मैं एक पिछड़े ऐसे समाज से हूँ, मेरी खुद की शिक्षा दीक्षा सारी प्राइवेट हुई है। मैं घर बैठकर अपने अपाहिज माता पिता की सेवा के साथ कर्मशील रही हूँ और शिक्षा ग्रहण की है। आज जो देश में बेटियों की स्थितियाँ हैं, ये स्थिति पहले कभी नहीं थी। हमारा देश अध्यात्म गुरु के नाम से परिचित था और बेटे से अधिक मान बेटी को मिलता था। विदेशी आक्रांताओं के आने से धीरे धीरे बेटी की शक्ति गौण हुई और माता पिता को मजबूरन अनेक समझौते करके बेटियों को नष्ट करना ही उचित समझ लिया। मेरी समाज में इस प्रकार की स्थिति देखकर जो टीस उत्पन्न हुई है और मोदी जी की जो प्रेरणा है, आशा है कि उनके इन कदमों से शायद हमारा देश वापस अध्यात्म गुरु की ओर पहुंच जाए। और अगर हम सब साथ चलें और इस संकल्प के साथ रहें कि हमारे समाज में किसी भी जीव की किसी भी कारण से हत्या ना हो, तो निसंदेह हम पुनः अपना वो खोया हुआ स्थान प्राप्त कर लेंगे। मेरी पहली कविता का शीर्षक है गूंज उठा यह नारा। मोदी जी का जो मंत्र है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही इसका सूत्रधार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गूंज उठा यह नारा, शिक्षित बेटी अनमोल रत्न है फैले जग उजियारा। अब प्रत्येक परिवार में बेटा और बेटी बराबर मान रखते हैं। बेटा शरीर बेटी आत्मा दोनों से तन पूरा, कन्या पुष्प ना खिले तो उपवन रहे अधूरा। ओ जग वालों खुद को संभालो, बेटी को मिटाने वालों, अक्षम में अपराध तुम्हारा, मिले नहीं छुटकारा, मिले नहीं छुटकारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गूंज उठे यह नारा, शिक्षित बेटी अनमोल रत्न है फैले जग उजियारा। भ्रूण हत्या समाज की बहुत बड़ी बुराई है। यहाँ बेटी अपने आप को बचाने के लिए गुजारिश करती है, घायल मन बेटी का बोले चाकू मत चलवाओ, घायल मन बेटी का बोले चाकू मत चलवाओ, हरा भरा अगर जग चाहिए मुझको मत मिटवाओ। मूर्खता छोड़ो चुप्पी तोड़ो, मूर्खता छोड़ो चुप्पी तोड़ो, मेरी ही तुम भाषा बोलो, बेटी घर के कष्ट हरे सब निर्मल गंगा धारा, निर्मल गंगा धारा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गूंज उठे यह नारा, शिक्षित बेटी अनमोल रत्न है फैले जग उजियारा। अब परिवार में बेटी अनेक रिश्तों का निर्वाह करती है। माता बहन पत्नी बेटी बन ये जीवन महकाए, माता बहन पत्नी बेटी बन ये जीवन महकाए, संस्कार से वातप त्याग से ये संसार बसाए। भूल हुई जो मत दोहराओ, भूल हुई जो मत दोहराओ, कन्या को भी कंठ लगाओ, कब जागेगी सोई आत्मा, कैसे मिले किनारा, कैसे मिले किनारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गूंज उठा यह नारा, शिक्षित बेटी अनमोल रत्न है फैले जग उजियारा। अब पढ़ी लिखी बेटी क्या नहीं कर रही है। पढ़ी लिखी जब बेटी भी हो जग सुखमय बन जाए, पढ़ी लिखी जब बेटी भी हो जग सुखमय बन जाए, अवनी से अंबर तक देखो विजय ध्वज फहराए, अवनी से अंबर तक देखो विजय ध्वज फहराए। तुम हाथों में कलम थमा दो, शिक्षा को पतवार बना दो, शिक्षित बेटी से जग रोशन, समझे ये जग सारा, समझे ये जग सारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गूंज उठे यह नारा, शिक्षित बेटी अनमोल रत्न है फैले जग उजियारा, फैले जग उजियारा। तो डॉक्टर भामा जी, आपकी पहली कविता बहुत ही अच्छी थी, मोदी जी के नारे पे पूरी तरह से खरी उतर रही थी। अब हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी दूसरी कविता का शीर्षक और कविता सुनाएं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है माँ बेटी संबान। ये तुलसीकृत रामायण की दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। यहाँ बेटी को न बचाने में माँ की इच्छा क्यों है, पहले वो जाहिर करती है और फिर बेटी अपने ही तर्क से माँ को प्रेरित करते हैं कि माँ मेरे साथ समाज में कोई अनर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तेरे गर्भ में पली बड़ी हूँ और माँ दुर्गा की उपासिका हूँ। तो दुर्गा की बेटी को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता, रणचंडी बनकर मैं सबका सहार कर दूंगी। तो यहाँ बेटी पहले माँ से क्या गुजारिश करती है, सुनिए। जन्म पूर्व बेटी कहे मिटता खुद को पाए, मैया को समझाए के सृष्टि रही बचाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। माँ मैया अम्मा मेहतारी सुन लो अब तुम अर्ज हमारी, ममता तेरी कैसे हारी, मैं हूँ तेरी राज दुलारी। बिटिया सुनकर तेरी बोली तड़प तड़प यो ममता डोली, कैसे तुझको जग में लाऊं, निष्ठुर जग कैसे समझाऊं, हर कदम पर कांटे मिलेंगे, कैसे तेरे रंग खिलेंगे, चिंता तेरी मुझे सताए, शूदा मन में चुभ ना जाए। बेटी क्या जवाब देती है, बेटी जवाब दे रही है, मैया तू नादान बड़ी है, बेटी तेरी कोख कड़ी है, मैं भी तो अरमान पली हूँ, विधि कृपा से तुझे मिली हूँ, चिंता मेरी बात सही माँ, पर कैसे तू भूल गई माँ, दुर्गा की माँ मैं बेटी हूँ, दुर्गा की ही मैं चेटी हूँ, कैसे कोई फिर छू पाए, जो छेड़े वो मुँह की खाए, जो छेड़े वो मुँह की खाए, भूल भुलैया ये जग सारा, अनदेखा भय क्यों स्वीकारा, हत्या ना समाधान मैया, ढूंढो सशक्त निदान मैया, जब सागर सम साहस धारे, कुचले फंसी विपति हारे, बेटा बेटी एक से कुल की शान बढ़ाए,
बेटा बेटी एक से कुल की शान बढ़ाए। इस जगत में बेटी बिन जीवन ही थम जाए। राम शिया राम जय जय राम। बेटा बेटी तेरा हिस्सा दोनों का एक सा है किस्सा। तुतला कर जब जब बोलेंगे शब्द सुधारस सा खोलेंगे। डगमग पग अंग नाम चलेंगे संस्कार में तेरे ढलेंगे। जग मुझको दिखला दो मैया जग मुझको दिखला दो मैया। अपनी कोख बचा लो मैया जग मुझको दिखला दो मैया। अपनी कोख बचा लो मैया। मुझको प्यार दुलार चाहिए जीवन सार निखार चाहिए। खुला खुला आकाश चाहिए शिक्षा भानु प्रकाश चाहिए। भैया सा हर काम करूंगी रोशन तेरा नाम करूंगी। सुख दुख तेरे साथ रहूंगी पीड़ा से मैं नहीं डरूंगी। पीड़ा से मैं नहीं डरूंगी। संभल संभल कर कदम धरूंगी संभल संभल कर कदम धरूंगी। सही राह का वरण करूंगी चट्टानों से भी लड़ लूंगी। पर तुमको ना मिटने दूंगी चट्टानों से भी लड़ लूंगी। पर तुमको ना मिटने दूंगी। माता भगनी सुता वधू तू रिश्तों के गगन की इंदु तू। माँ बेटी की बातों से भावनाओं से प्रसन्न होती है और संकल्प लेती है अपनी बेटी को बचाने का। तू जो मेरे कोख पली है तू जो मेरे कोख पली है। सुधा बूंद सी मुझे मिली है सृष्टि की शान है बेटी। नियति का वरदान है बेटी सृष्टि की शान है बेटी। नियति का वरदान है बेटी। पढ़ी लिखी समर्थ सुता होती कुल की शान। पढ़ी लिखी समर्थ सुता होती कुल की शान। मिटने ना दो बेटी को सदा रखो ये ध्यान। राम सिया राम जय जय राम। डॉक्टर भामा ने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई और उसको सुन के मुझे भी मेरी दो पंक्तियां याद आई। चीख चीख कर करे पुकार चीख चीख कर करे पुकार। सुन ले माँ चाहे सुन ले संसार। चीख चीख कर करे पुकार सुन ले माँ चाहे सुन ले संसार। जन्म लेना सबका अधिकार जन्म लेना सबका अधिकार। चाहे बेटा हो या बेटी हो बार बार चाहे बेटा हो या बेटी हो बार बार। मेरी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको अपने अगले कवि श्री बलकार जी से मिलाना चाहती हूँ जो आए हैं गोरखपुर से और हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी कविता का शीर्षक और उनकी आज की पहली कविता। आज की मेरी पहली कविता का शीर्षक है बेटी के दुश्मन। तो ये वरुण हत्या के ऊपर लिखी गई मेरी रचना है। बेटी के दुश्मन होश राखिए ना तो फिर पाछे पछतावेगा। घटता जावे लिंग अनुपात किस तरिया वंश चलावेगा किस तरिया वंश चलावेगा। के सोचे से बेटी तय होवा पराया धन से के सोचे से बेटी तय होवा पराया धन से। बेटी फूल समान समझिए जो महकावे चमन से। करता गराव गगन से इन पे धरती का तख्ता हिल जावेगा। घटता जावे लिंग अनुपात किस तरिया वंश चलावेगा। बेरी बन क्यों चीरे से केड़े से नाजुक पाता न। बेटी ने मारण आले तो रोवेगा देख हालाता न। बेरी बन क्यों चीरे से केड़े से नाजुक पाता न। बेटी ने मारण आले तो रोवेगा देख हालाता न। कर याद पाछली बाता न तेरा हिया उजल के आवेगा। घटता जावा लिंग अनुपात किस तरिया वंश चलावेगा। वंश बेल तेरी ना चालित है के फायदा तेरे जिए का। वंश बेल तेरी ना चालित है के फायदा तेरे जिए का। सात जन्म तक पाप कटे ना हाथ खून में दिए का।
सात जन्म तक पाप कटना हाथ खून में दिए का एक मासूम की जान लिए का एक दिन तू सजा पावेगा घटता जावा लिंग अनुपात किस तरिया वस चलावेगा। जागरूकता और नारी शिक्षा पे देना होगा ज्यादा ध्यान, जागरूकता और नारी शिक्षा पे देना होगा ज्यादा ध्यान, लड़का लड़की एक समान जब भी होगा देश महान, जब भी होगा देश महान, कह बलकार सिंह जमाना कोन्या अड़ किस किसने समझावेगा घटता जावा लिंग अनुपात किस तरिया वस चलावेगा किस तरिया वस। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई और इनके लिंग अनुपात को सुन के मेरे को एक बात याद आई जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक आंकड़े में पढ़ी थी कि सन 2013 में हरियाणा में 1200 गांव ऐसे थे जहां कोई भी बेटी पैदा नहीं हुई थी। और ये बात जब मैंने उसमें पढ़ी तो मेरे अंदर एक अजीब सी तरंग सी उठी कि ऐसा हो गया मेरा हरियाणा कि बेटियों के पैदा होने में पूरा साल साल निकल जाए और वो भी 1200 गांव में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मिलना चाहूंगी हमारे बलकार जी से अगली कविता के लिए। मेरी अगली कविता का शीर्षक है श्री कृष्ण जी अवतार धर ले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि जब जब कोई भी कठिनाई आती है तो भगवान श्री कृष्ण जी अवतार धारण करते हैं। तो एक भगत उनको एक बात के द्वारा कैसे क्या कहता है कि पाप बड़े अवतार धरूं नुगीता में लिख डार दिया मुरली आड़े कड़े गया तने इब तक नहीं अवतार लिया। के पाप बड़े अवतार धरूं नुगीता में लिख डार दिया मुरली आड़े कड़े गया तने इब तक नहीं अवतार लिया। अड़मारी बाण बेटियां पे अड़मारी बाण बेटियों के चीर हरण हो रहे से करें इशारे जंग दिखावें दुर्योधन हो रहे से करें इशारे जंग दिखावें दुर्योधन हो रहे से सरे आम करते उगाड़ी आड़े दुशासन हो रहे से न्या नीति घटी सच्चाई आड़े पापी मन हो रहे से। विषम पितामह द्रोण गुरु ने वक्त मौन पर धार लिया विषम पितामह द्रोण गुरु ने मौन वक्त पर धार लिया श्री कृष्ण जी तू कड़े गया तने इब तक ने अवतार लिया। श्री कृष्ण जी तेई गौ माता गाड़ा में धक्के खारी से भूखी प्यासी कूड़ा करकट और पॉलिथीन खारी से दहेज लेने की खातिर छोरी जावा जड़ा के मारी है घटता जावा लिंग अनुपात भ्रूण हत्या चली बीमारी से अड़ रोज द्रौपदी लुटा बता अड़ रोज द्रौपदी लुटा बता चीर बाजार में तार लिया श्री कृष्ण जी अवतार धर ले तने इब तक ना अवतार लिया तने इब तक ना अवतार लिया। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता के साथ बलकार जी ने अपनी कविताएं पूरी की। अब हम मिलना चाहेंगे अपने अगले कवि से जो आए हैं। मैं नरेश कुमार शाहबाद मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ और मेरी जो पहली कविता है बेटी घर की शोभा। घर आंगन और परिवार को महकाती हैं बेटियाँ, कली से खिलकर एक दिन गुलजार बन जाती हैं बेटियाँ। भार नहीं उपहार हैं ये समझने की गर तमन्ना हो लक्ष्मी बनकर आती हैं घर में जिसके घर पर आना हो आकर उस घर में खुशियों की भरमार कर देती हैं बेटियां। कली से खिलकर एक दिन गुलजार बन जाती हैं बेटियां। सतयुग की अनुसुईया ने धरती अंबर हिला दिए त्रेता युग की सीता ने भी रावण जैसे पापी मिटा दिए लक्ष्मीबाई सरोजनी नायडू कल्पना जैसी बेटियों को वापिस धरती पर आना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर भारत खुशहाल बनाना है। सारी सृष्टि का आधार होती हैं बेटियां, कली से खिलकर एक दिन गुलजार बन जाती हैं बेटियां। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई इन्होंने पहली हमें, दिल को छू गई। जो अब हम इनसे दूसरी कविता और उसका शीर्षक सुनना चाहेंगे। मेरी दूसरी कविता जो है उसका शीर्षक है लिंग अनुपात एक समस्या। और ये कविता मेरी उनके लिए है जो हमारे देहात में लोग रहते हैं और लिंग अनुपात की समस्या को वो समझ नहीं पाते। लिंग अनुपात से एक समस्या, रल मिलकर थम कर लो चर्चा। लिंग अनुपात से एक समस्या, रल मिलकर थम कर लो चर्चा। अगर आज इस बात को चर्चा नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ी समस्या बन के आएगी। लिंग अनुपात से एक समस्या, रल मिलकर थम कर लो चर्चा। फिर बहू ने ढूंढांगे बाहर मारे रे हरियाणे थे
बेटी ना तुम मारो रा गर्भ में, बेटी ना तुम मारो रा गर्भ में, कसम उठानी चाहिए सबना, हो जाएगी रब की मार मारे रा हरियाणे में, कर दो समस्या बाहर मारे रा हरियाणे ते। बेटी से अनमोल खजाना, बेटी से अनमोल खजाना, गर्भपात तुम मत करवाना, हो जाएगी रब की मार मारे रा हरियाणे में, कर दो समस्या बाहर मारे रा हरियाणे ते। कविता के माध्यम से समझ लो इन बातों ने ध्यान में धर लो, कविता के माध्यम से समझ लो इन बातों ने ध्यान में धर लो, नरेश खेड़ा करे प्रचार सारे रा हरियाणे में, कर दो समस्या बाहर मारे रे हरियाणे ते। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई और हरियाणवी टोन के साथ उसको और उभार के लाए। इसी के साथ हम उनका धन्यवाद करते हुए अगले कवि को बुलाना चाहेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप मलिक है और मैं रोहतक जिले से आया हूँ। मैं प्रदीप मलिक जी रोहतक जिले से आए हैं और अपनी कौन कौन सी कविताएं अपने साथ लाए हैं? मेरी पहली कविता का शीर्षक है एक तितली की मौत और दूसरी कविता का शीर्षक है हर कोख पर गिद्ध बैठे हैं। तो आप पहले कौन सी कविता सुनाना चाहेंगे? अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ एक तितली की मौत। दादी ने पापा संग मिलकर मम्मी कहाँ धकेली थी, एक तितली की जान डॉक्टर ने चुपके से ले ली थी। मातम के बदले चेहरों पर बस राहत ही खेली थी, जब छुरी कैंची के नीचे गर्दन कभी हथेली थी। दादा दादी मम्मी पापा वैसे तो थे साथ मेरे, कोख हुई महसूस कब्र तब लेकिन बहुत अकेली थी। न तो मौत मिली न जिंदगी न शमशान कब्र कोई, दुनिया में न आकर भी ये कैसी दुनिया झेली थी। बहुत ही छोटी सी कविता में थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह गए, एक नन्ही सी बच्ची की कहानी जो गर्भ में ही मार दी गई। अब हम दूसरी कविता सुनना चाहेंगे। अब अपनी दूसरी कविता सुनाना चाहता हूँ। हर कोख पर गिद्ध बैठे हैं कब से डाले पहरा, हर कोख पर गिद्ध बैठे हैं कब से डाले पहरा, क्यों बेटी की चीखों से माँ बाप बना हर बहरा, क्यों बेटी की चीखों से माँ बाप बना हर बहरा। मिलकर बेटी चलो बचाएं लाड करें अब गहरा, बेटी के कदमों में पोंगल ओणम तीज दशहरा, बेटी के कदमों में पोंगल ओणम तीज दशहरा। कब चिड़िया तितली पर रखती कुदरत पिंजरा पहरा, कब चिड़िया तितली पर रखती कुदरत पिंजरा पहरा, तब मुनिया भी जाए पढ़ने सीखे खूब का कहरा, तब मुनिया भी जाए पढ़ने सीखे खूब का कहरा। जिस आंगन ने भी बेटी के नन्हे पांव चूमे, जिस आंगन ने भी बेटी के नन्हे पांव चूमे, उस घर में सूरज चमका कुछ अटकर सुरख सुनहरा, उस घर में सूरज चमका कुछ अटकर सुरख सुनहरा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे। रोहतक से आए हमारे कवि प्रदीप मलिक जी थोड़े से शब्दों में अपनी बात को पूरा कर गए और बहुत ही अच्छी शिक्षा दे गए। इसके साथ ही मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और इसके साथ ही मैं अपने अगले कवि अनिल नागपाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविताएं और उनके शीर्षक हमारे लिए कहें। मेरी पहली कविता का शीर्षक मोदी जी की ये रचना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बेटी का मान बढ़ाओ, हो सके तो जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाओ। दोनों जीवन दान देते हैं, थोड़ा हमसे लेकर और ज़्यादा हमको देते हैं, इसमें यह सुख सच्चा दोनों हैं जीवन का हिस्सा। हरा भरा रखने का इनको दिल में पैदा करो ऐसा जज्बा, ऐसी दिल में अलग जगाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बेटी का मान बढ़ाओ। सबसे बड़ा दान है कन्यादान, अपने हाथों की आगे आएगा। कर लो बंदो ये नेक कर्म, कुछ और साथ ना जाएगा। इस धरती पे आकर कुछ और ना सही, ये पुण्य तो कमाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही मैंने कहा पहले भी कि चंद लफ्जों में बहुत कुछ कह गए। कन्यादान से मुझे याद आया, कहा जाता है कि जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर की दहलीज हमेशा कवारी रह जाती है। वो घर की दहलीज कभी ब्याह ही नहीं मानी जाती क्योंकि वो घर कन्यादान करने का सुख नहीं पाता। इसी पंक्तियों के साथ मैं हमारे अगले कवि जी से चाहूंगी कि वो हमें दूसरी कविता सुनाएं। मेरी दूसरी कविता भी इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शीर्षक से ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपने पूर्वजों का कर चुकाओ। इस दुनिया में हम आए अपने पूर्वजों की बदौलत आए, अपने पूर्वजों की बदौलत आए। प्यार की इस निशानी को अपने हाथों से ना मिटाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के साथ ही मैं आज आए हुए हमारे कवियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और साथ ही दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतनी देर सुना, और साथ ही मैं अलविदा लेना चाहूंगी अगली मुलाकात तक के लिए। धन्यवाद।